अभी मैट्रिक्स प्राइसिंग पेज नंबर 278 से 280 काफ़ी सिंपल है। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, फुल प्राइस एंड फ्लैट प्राइस, उसमें मैंने कैसे बोला था क्या करेंगे, सपोज़ ये दिसंबर है एंड फिर ये जून है, ये कूपन डेट्स है, ठीक है। कूपन डेट के टाइम पे अक्रूड इंटरेस्ट ज़ीरो रहेगा, तो मेरा ये पॉइंट में फुल प्राइस इज इक्वल टू फ्लैट प्राइस सिंस नो अक्रूड इंटरेस्ट, राइट। एंड विथ टाइम मेरा फुल प्राइस क्या होगा, नॉर्मल सिनेरियो में दिस विल कीप ऑन गोइंग अप, राइट। एंड अचानक जैसे ही मेरा जून पहुंचता है, यहाँ पे आते ही एक फॉल आ जाएगा फट करके, इतना काफ़ी गिरेगा। वेर एज अगर मेरा फ्लैट प्राइस होता एंड ये अगर प्रीमियम होता, बॉन्ड अगर प्रीमियम होता, अगर मैं फ्लैट प्राइस करता तो ये ऐसे करके नीचे जाता। प्रीमियम है तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट यील्ड प्राइस ट्रैजेक्टरी था ना, कि विद टाइम क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स पार जाएगा। एंड ये जो डिफरेंस देख रहे हो आप, ये जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट अक्रूड इंटरेस्ट। तो नॉर्मली ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्लैट प्राइस, कोटेड प्राइस। क्योंकि अगर ये कोट करता तो लोगों को क्या लगेगा एज एन इन्वेस्टर, यार ये बॉन्ड तो ऊपर जा रहा है तो बहुत सही है, यानी कि बॉन्ड का क्रेडिट क्वालिटी अच्छा है। बट एक्चुअली क्यों ऊपर जा रहा था, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट की वजह से। ये पूरा सिखाया था उसमें लास्ट में, क्लियर है ये, ऐसे और सिंपल लगा, ठीक है। अभी हम लोग मैट्रिक्स प्राइसिंग करेंगे। मैट्रिक्स प्राइसिंग का मतलब क्या है, अभी ऐसे समझो, मेरे को एक प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड है, ऐसे समझ सकते हो, प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड है या एक पब्लिक कंपनी का बॉन्ड है। पब्लिक कंपनी का बॉन्ड है लेकिन ट्रेड ही नहीं हो रहा है मार्केट पे। अगर मार्केट पे ट्रेड ही नहीं हो रहा है तो मैं बराबर से उसका YTM निकाल पाऊंगा क्या, नहीं ना, समझ में आया। बट अगर प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, मैं उसका क्रेडिट रेटिंग निकाल सकता हूँ, कोई भी सपोज क्रिसिल के पास जाके क्रेडिट रेटिंग निकाल सकता हूँ, समझ में आया कॉन्टेक्स्ट। बट मैं YTM नहीं निकाल सकता, बट क्रेडिट रेटिंग निकाल सकता हूँ, इतना समझ में आया। YTM क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि प्राइस ही नहीं पता ना, क्योंकि मार्केट पे ट्रेड ही नहीं हो रहा है, लॉजिक समझा। बट मुझे क्या करना है, मुझे वो प्राइवेट कंपनी या वो पब्लिक कंपनी जो ट्रेड नहीं हो रहा है उसका मुझे क्या निकालना है, YTM निकालना है। तो मैं कैसे उस YTM को एस्टिमेट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज मेट्रिक्स प्राइसिंग, समझ में आया। तो क्या करेंगे हम लोग, सपोज ऐसे समझते हैं, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो ट्रेड हो रहा है लेकिन मार्केट में ट्रेड, पब्लिक कंपनी है बट उसका बॉन्ड्स ट्रेड नहीं हो रहा है मार्केट पे, बहुत इलिक्विड है, तो उसका मुझे YTM ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, सेम यही इंडस्ट्री में कोई मार्केट लीडर या कोई और कॉम्पिटिटर जिसका क्रेडिट क्वालिटी सेम हो, जिसका क्रेडिट क्वालिटी सिमिलर नहीं, सेम, समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट क्वालिटी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं ले रहा हूँ एक डबल ए, ये वाले कंपनी का डबल ए, कॉम्पिटिटर का भी क्या होना चाहिए, डबल ए होना चाहिए, एंड कॉम्पिटिटर का बॉन्ड्स मार्केट पे ट्रेड होना चाहिए, समझ में आया। तो ये वाला जो कॉम्पिटिटर का बॉन्ड है अगर वो ट्रेड हो रहा है तो इसका YTM रहेगा मेरे पास बराबर। तो हम लोग को कौन सा कॉम्पिटिटर लेना है, जिसका क्रेडिट क्वालिटी सेम होगा, जिसका मेच्योरिटी सिमिलर होगा। मेच्योरिटी सिमिलर मतलब ये अगर एक 6 ईयर बॉन्ड है, ये भी लगभग 6 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, समझ में आ रहा है। मेच्योरिटी सेम होने का जरूरत नहीं है, सिमिलर या सामने होना चाहिए, 5 ईयर्स 7 ईयर्स चलेगा। ऐसे नहीं कि ये 2 ईयर बॉन्ड है और ये 10 ईयर बॉन्ड देख रहे, वैसे नहीं चलेगा, गेटिंग माई पॉइंट। बट क्रेडिट क्वालिटी सेम होना चाहिए, कूपन भी सिमिलर होना चाहिए, अगर ये 7% है तो ये 6 या 8% या 7% उसके आसपास रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। बट मेजर क्राइटेरिया क्या है, कि क्रेडिट क्वालिटी सेम होना चाहिए, पक्का समझा, ये 3 क्राइटेरिया है। उसके बेसिस पे मैं ये वाले कंपनी का निकाल सकता हूँ YTM। करके देखे एक सम सिंपल, पेज नंबर 278 में प्राइसिंग एंड इलिक्विड बॉन्ड, यहाँ पे देखो प्राइसिंग एंड इलिक्विड बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ट्रेड ही नहीं कर रहा है मार्केट पे, 4% एनुअल पे ए प्लस रेटेड बॉन्ड, मतलब मेरा कूपन जो कॉम्पिटिटर का 4% होना जरूरी है क्या, नहीं, 4 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। एंड कितना साल का ये बॉन्ड, एक सेकेंड, 3 ईयर्स, 3 ईयर बॉन्ड है। तो क्राइटेरिया क्या है, कि जो कॉम्पिटिटर बॉन्ड है 3 ईयर के आसपास होना चाहिए, कूपन 4% के आसपास होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट क्वालिटी सेम होना चाहिए, समझ में आया, सिंपल। तो देर आर
थ्री सिमिलर बॉन्ड्स, अगेन ये सेम इंडस्ट्री में भी होना चाहिए, अभी वो टेक्स्ट बुक ने दिया नहीं है, समझ में आ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ऑटो एंसिलरी का है तो सब ऑटो एंसिलरी का ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जमुना ऑटो है तो उसका मदरसन सुमी कॉम्पिटिटर है, तो मदरसन वो ही इंडस्ट्री का होना चाहिए। अगर मदरसन सुमी का बॉन्ड्स ट्रेड हो रहा है, जमुना ऑटो का ट्रेड नहीं हो रहा है, तो जमुना ऑटो को मदरसन सुमी का कंपेयर करना चाहिए। लेकिन अगेन दोनों का अगर क्रेडिट क्वालिटी सेम रहा तो, नहीं तो नहीं कर सकते अगेन, बट सेम इंडस्ट्री में भी होना चाहिए क्योंकि अलग इंडस्ट्री में तो डायनामिक्स ही अलग होगा, समझ में आ रहा है। प्रेफरेबली सेम इंडस्ट्री ही होना चाहिए, क्रेडिट क्वालिटी सेम होना चाहिए। तीन कॉम्पिटिटर बॉन्ड्स है सिमिलर लाइंस पे, बट ये क्या है, सेम है देखो तीनों, 2 ईयर है एंड 5 ईयर है। चलो मैं एक लीनियर इंटरपोलेशन करता हूँ, ये हमने कॉन्स में ऑलरेडी किया है, 2 ईयर बॉन्ड है और एक और दो 5 ईयर बॉन्ड है। 2 ईयर का YTM क्या है, 4.3%, 5 ईयर का दो YTM है 5.1, 5.3, ये दोनों का एवरेज आउट करके यहाँ पे ले सकते हैं कितना हो गया 5.2%। मेरा बॉन्ड कितने साल का है, 3 साल, तो मेरा बॉन्ड का जो YTM आएगा 4.3 एंड 5.2 के बीच में आएगा। इंटरपोलेट कर रहे कैसे करेंगे, 4.3 से तो ज़्यादा आएगा बराबर, कितना ज़्यादा आएगा, 4.3% प्लस कितना ज़्यादा आएगा, बेसिकली ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 5.2 माइनस 4.3, 0.9% का डिफरेंस है। बट 0.9% तो 3 साल के लिए ना, 0.9% 3 साल आगे जाने के लिए, 1 साल आगे जाने के लिए कितना होगा, तो अगर 3 साल आगे जाने के लिए 0.9 है तो 1 साल के लिए कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई थ्री, और 1 साल अगर आगे जाना है तो इंटू 1। अगर मेरे को थर्ड ईयर का चाहिए, तो अगर मुझे फोर्थ ईयर का चाहिए होता तो क्या करता मैं, यहाँ पे डिवाइड बाई थ्री इंटू 2 कर देता, समझ में आ रहा है। ये ऐसे ही करके करना, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जैसा दिया हुआ वैसे करने का जरूरत नहीं है, ये सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, सिंपल टर्म्स में समझो। टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला कैसे रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस रहेगा, उसके बाद वो लोग ऐसे करेंगे। अगर सपोज मुझे थर्ड ईयर का चाहिए तो देखो अभी ये ज़्यादा सिंपल है ना, डिवाइडेड बाई थ्री इंटू 1, अगर फोर्थ ईयर का चाहिए तो इंटू 2। टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो क्या किया, 3 माइनस 2, अगर सपोज थर्ड ईयर का चाहिए, फोर्थ ईयर का नहीं चाहिए, ये मेरा 1 कर देता हूँ। ये हम लोग ने अभी डिराइव किया ना खुद से समझ के। टेक्स्ट बुक का देखो फॉर्मूला कैसा दिया हुआ रहेगा, मतलब वही बता रहा है टेक्स्ट बुक भी, 4.3% प्लस कितना, ये दोनों का डिफरेंस विच इज 0.9%। उसके बाद क्या किया है, 3 माइनस 2 ईयर्स डिवाइड बाई 5 माइनस 2 ईयर्स, ऐसे किया है उन्होंने इंटरपोलेट किया है। वो हम लोग को ज़रूरत है क्या, वो लोग ने क्या किया है, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, मतलब इतना डिवाइड बाई इतना, हम भी तो वही कर रहे हैं ना, तो वैसे वो फॉर्मूला के हिसाब से मत करो, सिंपल लॉजिकली समझो। लॉजिक क्या बोलता है, ये 4.3% है, ये 5.2% है, मेरा आंसर ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में आएगा, 4.3% से तो ज़्यादा आएगा, तो सबसे पहले 4.3% प्लस कितना वो देखना है। मुझे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना है, बट सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर में कितना गैप है, 0.9%, बट सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर मतलब 3 साल बराबर, तो 1 साल का कितना आएगा ऑन एन एवरेज, 0.9 डिवाइडेड बाई 3, तो एक एक साल का 0.3, 0.3, 0.3, तो मुझे थर्ड ईयर चाहिए तो 0.3%, फोर्थ ईयर चाहिए तो 0.6% ऐड करना पड़ेगा। हार्ड लग रहा है क्या, बट यहाँ पे अजम्पशन क्या है, ये वाले मेथड में अजम्पशन क्या है, लीनियर इंटरपोलेशन। इसका मतलब क्या है कि मेरा सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर 0.3 जाएगा, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर वापस 0.3 जाएगा, फोर्थ से फिफ्थ वापस 0.3, यानी कि लीनियरली बढ़ रहा है। ज़रूरी है क्या, हम लोग का जो यील्ड कर्व है ऐसे ही ऊपर जाता है क्या, कभी नहीं जाता है ऐसा। कैसे जाता है हमारा यील्ड कर्व ऊपर, ऐसे। तो ये एक अजम्पशन है लीनियर का। इंटरपोलेशन मतलब क्या, सेकेंड और फिफ्थ मुझे पता है थर्ड ईयर का चाहिए तो इंटरपोलेट कर रहा हूँ। अगर मुझे सेकेंड और फिफ्थ पता होता और सेवेंथ चाहिए होता बाहर, तो उसको एक्स्ट्रापोलेट बोलते हैं हम लोग, समझ में आया। सिंपल, ये एक तरीका है करने का। दूसरा एक और तरीका है, अगेन वेरी ईजी। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, स्प्रेड्स पे काम करेंगे। इसके पहले हम सीधा YTM पे कर रहे थे ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, ये उससे थोड़ा और बेटर तरीका है। इससे थोड़ा बेटर तरीका ये है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्रेड्स ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेटिंग द स्प्रेड फॉर अ न्यू 6 ईयर A-rated बॉन्ड। क्या है, 6 ईयर बॉन्ड है,
ए रेटेड है, यानी कि कॉम्पिटिटर भी क्या होने चाहिए, ए रेटेड होने चाहिए। सिक्स ईयर्स का चाहिए तो, बट एक फाइव है एक सेवन है, एक फाइव है और एक सेवन है, मेरे को सिक्स चाहिए, तो बीच का बेसिकली। फाइव ईयर का स्प्रेड क्या है, यूएस टी बॉन्ड का 1.48, कॉर्पोरेट का ए रेटेड का 2.64, डिफरेंस क्या है, स्प्रेड क्या है, करो ना कैलसी से कर लो। कितना 1.16%, इसका कितना आएगा, सिमिलरली सेवन ईयर का कितना आएगा, 1.4%, बराबर। इसका YTM कितना है, टी बॉन्ड का 1.74%। अभी मुझे को एक बात बताओ, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्प्रेड्स निकाल रहे हैं, तो अगर फिफ्थ ईयर का स्प्रेड 1.16 है, सेवेंथ ईयर का स्प्रेड 1.4 है, तो यहाँ का स्प्रेड कितना रहेगा, स्प्रेड इसका दोनों का एवरेज करो कितना आता है, 1.16 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, करो 1.28%, ये मेरा स्प्रेड है। कॉर्पोरेट बॉन्ड का ढूंढना है, प्राइस ढूंढना है सपोज, चलो पहले YTM ढूंढना है, टी बॉन्ड का YTM कितना है 1.74, इसका स्प्रेड कितना है 1.28, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड का कितना रहेगा YTM 1.74 प्लस 1.28, ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा रहेगा ना कॉर्पोरेट का, तो ऐड ही करना है, तो 1.74 प्लस 1.28 करो जल्दी, 3.02 बराबर। अगर मेरे को YTM मिल गया तो मैं प्राइस कर पाऊंगा ये बॉन्ड को, अगर इसका N4 है, N कितना है 6 है, अगर इसका कूपन जो भी दिया रहेगा, टेक्स्ट बुक में है क्या इसका दिया हुआ है प्राइस करना है तो, नहीं सिर्फ उन्होंने YTM पूछा है, अगर YTM दिया तो प्राइस भी तो कर पाएंगे ना, N6 है बराबर, कूपन मेरा 5% है, मेरा YTM कितना है 3.02%, निकल सकता हूँ PMT एंड फिर कंप्यूट PV, सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वहाँ पे दिया हुआ है, YTM करने के बाद उन्होंने दिया है N3, फिर बाद में कूपन दिया हुआ है 4%, फेस वैल्यू ले सकते हैं हम लोग 1000, IBY तो हम लोग ने डिटरमाइन किया था 4.3%, बराबर है कि नहीं, अगर मुझे कितने का चाहिए, सॉरी 4.3% इसका था टू ईयर का, थ्री ईयर का कितना रहेगा 4.3 प्लस ये, हाँ ठीक है चलो ये डिवाइड बाई 3 था, तो ये कितना आ जाएगा 4.6%, तो वो भी मिल गया। अगर फोर्थ ईयर का पूछते तो कितना आता 4.9%, तो सिंपल है ना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, YTM पूछेंगे तो YTM का करने का कैलकुलेशन, या अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू का आ जाएगा, क्लियर है, किस में? नहीं ये मैंने ऐसे ही अज्यूम किया रैंडम, मैं आपको बोला कि एग्जाम में आ सकता है ना, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैंने अज्यूम किया कूपन 5%, तो कितना आएगा 100% ना, एक तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं ढूंढ सकते ना प्राइस, क्योंकि नहीं दिया हुआ है, बट ये वाले सम में दिया हुआ था। थर्ड ईयर का कितना आएगा, सेकेंड ईयर का 4.3% था प्लस 4.6%, कूपन तो दिया ही था 4%, तो अगर 1000 लेते हो तो 40 PMT, 100 लेते हो तो 4 PMT, वो तो चलेगा, समझ में आया 100%, ठीक है। ये पेज नंबर 280 से 283, सबसे फर्स्ट यील्ड मेजर्स देखेंगे हम लोग, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, सबसे पहले भी किया हुआ है, वापस एक बार देख लेते। कूपन 7% है, बॉन्ड प्राइस कितना है एज ऑफ डेट 1020.78, फिर कितना ईयर्स है, 5 ईयर बॉन्ड है, तो मेरा YTM कितना हो जाएगा, N5, PMT 70, फेस वैल्यू 1000, PV 1020.78, कंप्यूट IBY कितना आता है, सबसे फर्स्ट क्या है ये IBY क्या आएगा मेरा, 7% से कम आएगा कि ज़्यादा, 7% से कम, क्योंकि प्रीमियम बॉन्ड है, कितना आ रहा है 6.5 बराबर। यही सम अगर सेमी एनुअल बेसिस पे दिया रहता तो क्या करना पड़ता हम लोग को, कूपन कितना लेना पड़ता 3.5%, तो PMT 35 हो जाता, नंबर ऑफ पीरियड्स 5 के जगह 10 हो जाता, IBY जो आता सेमी एनुअल रहता है, इंटू 2 करना पड़ता, बराबर है, नॉमिनल रेट्स रहता है हमेशा, परफेक्ट। उसके बाद ना
एक सम दिया हुआ है पेज 281 में, अगेन ये हम लोग ने पहले भी किया हुआ है कॉन्च में, बट एक और बार यहाँ पे देख लेंगे। एनुअल यील्ड फॉर अ बॉन्ड विद अ स्टेटेड YTM ऑफ 10%। अच्छा ये तो इजी वाला है, उसके बाद वाला सम भी हमने कॉन्च में किया है, पहले ये वाला देख लेते हैं। 10% है, 10% नॉमिनल है, सेमी एनुअल, तो मेरे को इफेक्टिव एनुअल यील्ड कितना हो जाएगा, ये हम लोग ने कैलकुलेटर पे भी किया है 10.25। बट कैसे किया था हम लोग ने, 10% मेरा नॉमिनल है, साल में दो बार आने वाला है, तो उसका सी बाय वाई पीरियोडिसिटी कितना है, दो। मेरे को कंप्यूट क्या करना है, EFF। तो कैसे कर रहे थे हम लोग इस पे कैलकुलेटर पे, सेकेंड एंड इंटरेस्ट रेट कन्वेंशन टू, मतलब सेकेंड और टू प्रेस करोगे तो NOM आएगा सबसे पहले, नॉमिनल कितना है मेरा 10%, तो क्या करो 10 एंड एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डाउन एरो करोगे तो EFF तो मुझे ढूंढना है, वापस एक डाउन एरो करो, सी बाय वाई कूपन पर ईयर कितना है, सेमी एनुअल मतलब साल में दो बार, तो टू, एंटर टू एंड एक मिनट टू एंड एंटर, फिर वापस डाउन एरो करोगे तो नॉमिनल, फिर वापस डाउन एरो करोगे तो इफेक्टिव को कंप्यूट करो कितना आएगा 10.25। सिंपल है, अगर मुझे क्वार्टरली देखना रहता तो कितना हो जाता, ऑल यू हैव टू डू इज सी बाय वाई टू के जगह पे 4 एंटर करो एंड EFF में कंप्यूट करो कितना आ जाएगा 10.38%। सिंपल, ये हमने पहले भी किया हुआ है ना, डन। उसके बाद पेज नंबर 282 में नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये काफ़ी टेस्टेबल है, बहुत सिंपल है बट टेस्टेबल है। एन एटलस कॉर्पोरेशन बॉन्ड इज कोटेड विद अ YTM ऑफ 4% ऑन अ सेमी एनुअल बॉन्ड बेसिस, वॉट ईल्ड शुड बी यूज टू कंपेयर इट विद अ क्वार्टरली पे बॉन्ड एंड एनुअल पे बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो, प्लीज देखो, वो बोल रहे एक बॉन्ड है, उसका कूपन कितना, उसका कितना है ईल्ड कितना है 4% सेमी एनुअल बेसिस पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला बॉन्ड 4% सेमी एनुअल बेसिस पे, ठीक है, एक और बॉन्ड है जो क्वार्टरली पे है, एक और बॉन्ड है जो क्वार्टरली पे बॉन्ड एंड एक बॉन्ड है जो एनुअल पे बॉन्ड है। समझा क्वेश्चन ये है, सेमी एनुअल बॉन्ड का कितना है परसेंट, 4%, तो क्वेश्चन ये कि क्वार्टरली पे बॉन्ड का कितना परसेंट होना चाहिए, एनुअल पे बॉन्ड का कितना परसेंट होना चाहिए, सच दैट तीनों का इफेक्टिव EFF सेम रहे। EFF सेम मतलब फॉर एग्जाम्पल, पहले सेमी एनुअल बेसिस पे 4% जो है एनुअल बेसिस पे कितना है वो देखते हैं, जैसा ये किया था सेम लॉजिक। तो क्या करोगे, सेकेंड एंड इंटरेस्ट रेट कन्वेंशन, नॉमिनल कितना है 4%, तो 4 नॉमिनल एंटर, फिर डाउन एरो करोगे तो सी बाय वाई सेमी एनुअल मतलब 2, तो 2 एंटर एंड फिर EFF कंप्यूट। EFF कितना आएगा 4.04%, यानी कि अगर सेमी एनुअल बेसिस पे 4% है तो इफेक्टिव एनुअल कितना हो जाएगा 4.04। अभी वो लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्वार्टरली पे में कितना नॉमिनल होना चाहिए सच दैट मेरा EFF 4.04% हो, एनुअल बेसिस पे कितना होना चाहिए सच दैट EFF 4.04 हो। अच्छा, एनुअल बेसिस पे कितना होना चाहिए 4.04 ना, ये तो 4.04 रहेगा तो ये भी सेम, ये एनुअल है, ये मेरा सेमी एनुअल था, सेमी एनुअल 4 मतलब एनुअली 4.4, एनुअली 4 मतलब 4.04 मतलब इफेक्टिवली 4.04, तो मेरा क्वार्टरली पे कितना होना चाहिए 4 से कम कि 4 से ज्यादा, मेरा आंसर क्या होना चाहिए 4 से कम। जब मेरा क्वार्टरली पे बॉन्ड 4 से कम रहेगा तो इफेक्टिवली मुझे 4.04 मिलेगा, तो ये कैसे करेंगे, इफेक्टिवली मुझे 4.04 चाहिए, क्वार्टरली पे मतलब कितना हो जाएगा सी बाय वाई 4, तो मेरा नॉमिनल कितना होगा कंप्यूट 3.98%। यानी कि इसका मतलब क्या है, आप सेमी एनुअल बेसिस पे 4% बोलो, क्वार्टरली पे 3.9% बोलो या एनुअली 4.04 बोलो, आपको ये सब कन्वेंशन में ईयरली रिटर्न्स, टोटल रिटर्न्स कितना मिलेगा 4.04। क्वेश्चन समझा, ऐसे इंटरप्रेट करना है, अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया 100%। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है स्ट्रीट कन्वेंशन एंड ट्रू यील्ड, ठीक है।
इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. सपोज जून 15th एंड दिसंबर 15th सेमी एनुअल बॉन्ड है कूपन. स्ट्रीट कन्वेंशन क्या बोलता है, स्टेटेड कितना है कभी मिलेगा कूपन, 15 जून को मिलेगा, ये स्टेट किया हुआ है बराबर. अभी ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये जून 15 जो है सैटरडे को आ रहा है, तो सैटरडे को तो कूपन नहीं मिलेगा, संडे को नहीं मिलेगा, सीधा मंडे. तो इन रियलिटी कब मिल रहा है, 17 जून को मिल रहा है. स्टेट कभी किया गया है, 15th. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीट कन्वेंशन. स्ट्रीट कन्वेंशन क्या है, 15th. इन रियलिटी ट्रू कब मिल रहा है मुझे, मंडे को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू यील्ड. तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा स्ट्रीट कन्वेंशन में YTM ज़्यादा रहेगा कि ट्रू यील्ड में मेरा YTM ज़्यादा रहेगा. पैसा जल्दी मिलेगा तो मेरा YTM ज़्यादा ना, तो कभी भी मेरा स्ट्रीट कन्वेंशन वुड बी ग्रेटर देन ट्रू यील्ड और एल्स इक्वल टू ट्रू यील्ड. अगर दोनों सेम, ऐसा भी हो सकता है ना कि जून 15th मंडे को फॉल कर रहा है तो मेरा स्ट्रीट कन्वेंशन एंड ट्रू यील्ड सेम रहेगा, बट कभी भी ट्रू यील्ड मेरा स्ट्रीट कन्वेंशन से ज़्यादा रह सकता है क्या, नहीं. तो वही मैंने लिखा है, ट्रू यील्ड विल बी लेस देन और इक्वल टू स्ट्रीट कन्वेंशन. क्लियर है ये कंसेप्ट, सिंपल. पेज नंबर 283, करंट यील्ड एंड सिंपल यील्ड. अगेन यील्ड से क्या समझ में आ रहा है, बेसिकली हमारा YTM जो था, हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा था, हमारा रिटर्न कंसेप्ट कहाँ से आ रहा था, एक आ रहा था इंटरेस्ट इनकम से, एक आ रहा था री इन्वेस्टमेंट से, एंड तीसरा क्या था, अगर मेरा बॉन्ड प्रीमियम है, अगर सपोज 104 पे मेरा बॉन्ड इशू हुआ है तो क्या हो जाएगा, 104 का लास्ट में मुझे 100 मिलेगा, एंड अगर डिस्काउंट है 97 पे तो मेरे को लास्ट में 100 मिलेगा, राइट. अगर प्रीमियम बॉन्ड है 104 पे और वो 100 आ रहा है, तो बेसिकली वो 4 रुपये का नुकसान है ना मेरा, इन अ वे अगर मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करता हूँ. तो ये लोग इसको क्या बोलते हैं, 104 का 100 होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लॉसेस. इन अ वे वैसे ही है ना, स्टार्टिंग में आप 104 दे रहे हो, लास्ट में आपको 100 मिल रहा है, ठीक है. बॉन्ड प्रीमियम अमोर्टाइजेशन, लाइकवाइज बॉन्ड डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन रहेगा तो क्या होगा, 97 पे इशू हुआ है, लास्ट में आपको 100 मिलने वाला है, तो विद टाइम क्या हो रहा है, आपको ये क्या हो जाएगा पार्ट, कैपिटल गेन्स, बराबर है. ये एक्चुअल तीन जगह से आ रहा है रिटर्न्स मेरा. करंट यील्ड बोलता है सिर्फ एक सोर्स से लो. करंट यील्ड क्या बोल रहा है कि आपका बॉन्ड का एनुअल इंटरेस्ट इनकम क्या है, डिवाइडेड बाय यील्ड, मतलब क्या करंट यील्ड मतलब क्या, डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस अभी जो मार्केट में चल रहा है. हम लोग इक्विटीज में भी वही बोलते हैं ना, कितना यील्ड मिला तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट, बराबर है. लाइकवाइज करंट यील्ड ऑफ बॉन्ड इज व्हाट, इंटरेस्ट इनकम कितना आया पूरे साल में, पूरे साल में, यानी कि सेमी एनुअल बॉन्ड हुआ या एनुअल बॉन्ड हुआ, आपका जो इंटरेस्ट इनकम कूपन रहेगा वो सेम ही रहने वाला ना एनुअली. अगर आपको सेमी एनुअली 35 है तो साल में 70 है, तो दोनों में सेमी एनुअल होने दो या एनुअल होने दो, आपका करंट यील्ड का आंसर जो है, जो ऊपर का न्यूमरेटर है एनुअल कैश कूपन पेमेंट, वो सेम ही रहेगा. अगेन क्या है ये करंट यील्ड, एनुअल कैश कूपन पेमेंट डिवाइड बाय बॉन्ड प्राइस, एंड पूरे साल का है तो बेसिकली ये बॉन्ड प्राइस वुड बी नथिंग बट फ्लैट, या तो फुल दोनों सेम ही रहेगा ना, कूपन आने के बाद अक्रूड इंटरेस्ट रहने वाला है क्या कुछ, तो क्या हो जाएगा, एनुअल कैश कूपन पेमेंट डिवाइड बाय बॉन्ड प्राइस वुड बी फ्लैट और फुल सेम ही रहने वाला है सिंस इट्स एनुअल. ये पार्ट अगेन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. क्लियर है ये कंसेप्ट. उसमें मैंने क्या लिखा है, डस नॉट कंसिडर, क्या कंसिडर नहीं कर रहा है, कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस कंसिडर कर रहा है क्या इनकम में, जब मैं बोल रहा हूँ कूपन मिलने वाला है तो री इन्वेस्टमेंट कंसिडर हुआ क्या, नहीं हुआ. अगर बॉन्ड प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे तो वो कंसिडर कर रहे हैं क्या, हम लोग नहीं कर रहे. तो बेसिकली डज नॉट कंसिडर कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस, ये वाला पार्ट बेसिकली कौन सा, बॉन्ड डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन या बॉन्ड प्रीमियम अमोर्टाइजेशन कंसिडर नहीं कर रहा है, एंड री इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं कंसिडर कर रहा है. समझ में आया करंट यील्ड. लाइकवाइज एक और क्या है, सिंपल यील्ड. सिंपल लैंग्वेज में क्या समझना है, सिंपल यील्ड विल कंसिडर इंटरेस्ट इनकम जो करंट यील्ड में कंसिडर हो रहा था, प्लस अकाउंट्स फॉर कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस. कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस क्या है हमारा, अगर मेरा डिस्काउंट बॉन्ड है 97 तो 100 में जाएगा तो 3 रुपये का क्या है गेन्स. सिमिलरली अगर 104 है तो कैपिटल लॉस कितना है 4. बट कैसे होगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट प्रीमियम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड. यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन करते थे ना हम लोग. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, मोटा मोटा ऐसे समझो, 91 का बॉन्ड है, लास्ट में कितना मिलने वाला है 100, 3 साल का बॉन्ड है तो एवरी ईयर स्ट्रेट लाइन करेंगे तो कितना होगा, 3 रुपया, 3 रुपया हुआ तो 94, वापस 3 तो 97, वापस 3 तो 100. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करना पड़ेगा जितना नंबर ऑफ ईयर्स है उतने से.
तो सिंपल यील्ड इज नथिंग बट एनुअल कूपन पेमेंट प्लस और माइनस स्ट्रेट लाइन अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट एंड और प्रीमियम. अगर प्रीमियम रहेगा तो माइनस होगा कि प्लस? माइनस हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम है तो पार पे लेके आना पड़ेगा, तो माइनस. डिस्काउंट है तो प्लस. क्लियर है कंसेप्ट? डिवाइडेड बाई फ्लैट प्राइस. अगेन क्योंकि कूपन है तो फ्लैट भी ले सकते, फुल भी ले सकते आइडियली, बट टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला है फ्लैट प्राइस का. देखे अभी पेज 283 में कंप्यूटिंग करंट यील्ड सॉल्व करते. कंसिडर अ 20 ईयर 1000 पार वैल्यू 6% सेमी एनुअल पे. डज इट मैटर वो सेमी एनुअल है या एनुअल है करंट यील्ड के लिए? नहीं ना. सेमी एनुअल रहेगा तो 1000 पे 3% कितना है? 30 एंड 30, तो 6 महीने के बाद 30 और 6 महीने के बाद 30, तो 60. तो वुड इट मैटर वो सेमी एनुअल है या एनुअल है? नहीं, एनुअली तो कितना मिलने वाला है? 60 ही तो मिलने वाला है. डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस कितना है? 802.07. तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 7.48%. हार्ड लगा क्या? नहीं, सिंपल. उसके बाद सेकेंड वाले पे आते हैं, कंप्यूटिंग सिंपल यील्ड. सिंपल यील्ड में मैंने क्या बोला था? एनुअल कूपन तो आएगा ही प्लस स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे, कैपिटल गेन्स लॉसेस. तो ये वाले एग्जाम्पल में कूपन कितना है? 8% कूपन है. बॉन्ड प्राइस 90 है तो बेसिकली फेस वैल्यू 100 है, तो कूपन कितना हो जाएगा? 8 रुपया. तो 8 सिंस डिस्काउंट बॉन्ड है, विद टाइम वो क्या हो जाएगा? 100 के टूवर्ड्स जाएगा, तो कैपिटल गेन्स तो प्लस. बट ये कितने साल का बॉन्ड है? 3 साल का बॉन्ड है. एंड टोटल डिस्काउंट कितना है? 100 माइनस 90.165 कितना हो गया? 9.835. इसको 3 साल में अमोर्टाइज करना है, तो डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाता है? 3.278. यहाँ पे देखो 3.278, तो 8 प्लस 3.278 डिवाइड बाय फ्लैट प्राइस. फ्लैट प्राइस कितना है? 90.165. अगेन टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला में दिया हुआ है, एक सेकेंड, 90.165 कि ये फ्लैट प्राइस होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरीली, क्योंकि जब कूपन मिलने ही वाला है तो कूपन पीरियड के टाइम पे, कूपन मिलने के बाद तुरंत मेरा फुल प्राइस फ्लैट प्राइस सेम ही रहेगा. समझ में आया? तो इसका आंसर कितना आया? 8 प्लस 3.278 डिवाइड बाई 90.165, 12.51%. समझ में आया? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में पूछूं करंट यील्ड और सिंपल यील्ड में डिफरेंस क्या है, क्या बोलोगे? अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और एल्स अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड प्रीमियम. सिंपल है, एक बार लिख लो.